सो गाइस, जिंदगी अपने लिए तो हर कोई जीता है। मजा तो तब है जब आपके अंदर दूसरों के सपने को पूरा करने का जज्बा हो। जी हाँ, मैं आज जिन गेस्ट की बात कर रहा हूं वो कैद पंछियों को आसमान में उड़ना सिखाए हैं, रंगों में मिलना सिखाए हैं और जीवन जीने की एक नई कला बताए हैं। जी हाँ, दिल्ली से लेकर देहरादून तक इनके चर्चे हैं, क्योंकि बधाई दो में भी इन्होंने अपने जलवे बिखेरे हैं। रायपुर के प्राइड मार्च में सबसे आगे फ्लैग में खड़े होने वाले हमारे अंकित एंड सिद्धांत आज हमारे काउच में होंगे, द सेलेब्स काउच में, एक सेलिब्रिटी बनकर। जी हाँ, ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन अंकित एंड सिद्धांत। वेलकम टू द शो गाइज। हाय अमन, कैसे हो आप दोनों? ऑल गुड, हैप्पी सोल्स ऑलवेज। मतलब आप दोनों की पिक्चर्स या वीडियोस कुछ भी हम इंस्टा में देखते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार इनसे खुश बंदा कोई हो ही नहीं सकता, सीरियसली। Because we're happy people, we born this way. Yes. So stereotype mindset को change करके यहाँ तक आने की journey एकदम short में अगर हम जानना चाहें तो one by one please. Oh, it's बहुत बड़ी story को एक box में put up करना is a big task, for anyone, right? But अगर मेरी journey की बात कहें तो everything is started from my school only. I faced a lot in my school days, from bullying. From name callings to like you know teachers ki sunna, parents ki sunna, fir classmates ki bhi sunna, then juniors ki bhi sunna, seniors ki bhi sunna. So bahut sari cheeze thi us samay jo mujhe affect kar rahi thi mentally, aur but somehow I while on the stage of exploring my own sexuality and own self, the confidence built up and I accepted myself dhire dhire, and jo bhi raha वो कॉन्फिडेंस ही रहा खुद का जो एक्सेप्ट करने के बाद आया, उसी के जरिए ही मैं सबसे मिल पाया। जब मैं पढ़ाई के बाद रायपुर शिफ्ट हुआ तो फिर सिद्धांत लोग से मिला, इन्होंने भी और जितने भी लोगों से मिला सबने बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में हेल्प की है। एंड जो भी मैं हूँ आज रायपुर में एज अ क्वियर इंडिविजुअल, आज यहाँ के सारे जो हमारी ग्रुप था उनके साथ के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जो कॉन्फिडेंस है सबके साथ। वेरी नाइस nice. क्योंकि आपकी एक आवाज ना पता है पूरे रायपुर को हिला देती है, ये मैंने देखा है। सिद्धांत, यू टेल मी लाइक हाउ यू स्टार्टेड, कब रियलाइज हुआ एंड कैसे लगा कि हमें एक अलग आइडेंटिफिकेशन चाहिए यार, मतलब अब तो ये नहीं चलेगा। यस, आज अंकित मेंशन लाइक मैं अभी 27 साल का हूँ, राइट? तो 27 साल का जर्नी को ऐसे 7 मिनट पे बोलना इट्स अ टास्क। तो मुझे खुद को 20 साल लगे थे कि मैं क्या हूँ, मेरी खुद की सेक्सुअलिटी क्या है एंड व्हाई आई एम डिफरेंट, ये जानने में जितना टास्क वो नहीं था, सबसे बड़ा टास्क था कि दूसरों को ये समझाना कि आप क्या हो। ओके, वो बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहता है ना, अच्छा अमन आप क्या हो, अंकित आप क्या हो, सिद्धांत आप क्या हो, लाइक हर दिन नए नए क्वेश्चंस को ऐसे आंसर देना इट्स ए डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो। तो घर में क्यों, मैं एक ऐसा जगह से था जहाँ पे लोगों का माइंडसेट घर के अंदर तक ही है, दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर घर के बाहर क्या चल रहा है। करेक्ट, घर में जितना पैसा है उतना खाओ जियो, घर के अंदर खुश रहो रो, बस घर के अंदर की बात होनी चाहिए, घर के बाहर की चीज़ें घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, या फिर घर के अंदर की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जहाँ पे ऐसे माइंडसेट रहता हो ना, वहाँ पे खुद के बारे में, खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है हम कोई फॉरेन कल्चर को एक्सेप्ट किए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। यस, दैट बीइंग गे, बाईसेक्सुअल, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर इट्स नॉट ए इंडियन कल्चर। करेक्ट, तो तब मुझे लगता था कि घर में बोलना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे घर में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। करेक्ट, और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बन रहे थे आप छोटों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, नॉट श्योर। और तो तब मैंने घर में कुछ बोला नहीं, आज तक भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अपने कैरियर पे ही ध्यान दिया कि मैं अच्छा पढ़ूँ, अच्छा लिखूँ, शायद अच्छा कमाने लगूँ तो लोग मुझे उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, मेरी सेक्सुअलिटी ज़्यादा क्वेश्चनेबल नहीं होगी। करेक्ट, यस, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर चाहिए। यस, नॉट इवन मी, दिस इज एवरी सिंगल लाइफ स्टोरी आई गेस, क्योंकि आप कोई ट्रांसजेंडर को देखे होंगे, दे आर वेरी विजिबल इन सोसाइटी, या तो हमें बेगिंग करते हुए दिख जाते हैं, या तो सेक्स वर्क करते हुए दिख जाते हैं, या फिर हमारे अच्छे दिनों में बधाई मांगते हुए दिख जाते हैं। तो क्योंकि वो विजिबल है, उनको आइडेंटिफाई करना इज ईजी। ठीक,
और हमारी विजिबिलिटी कैसा है, एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे हम हंसते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, सारी चीजें. True. तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना इट्स अ टफ टास्क, तो उस तरह से समझ में नहीं आता है. बट हमें पता है हमारी रियलिटी क्या है. वी नो दैट वी आर बोर्न विद अ फेमिनाइन गेस्चर, राइट, एंड आर वे ऑफ टॉकिंग, आर जेस्चर्स, इवन द वे आई सेड यू डोंट यू मस्ट नॉट बी सेड लाइक दैट वे, करेक्ट. तो ये सारी चीज़ बहुत जल्दी जज होती है. और इवन हमारी वर्क स्पेस में भी, जहाँ पे पहले मैं जॉब करता था, आई गेस क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर, इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे ड्रेसिंग सेंस अलग है, मुझे ऐसे थोड़ा सा यूनिसेक्स ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है. तो मुझे हमेशा होता है, सिद्धांत आज कौन से लड़की की ड्रेस पहन का है, अरे बाबा आपको क्या लेना देना मैं क्या पहना हूँ, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स हैपन, दैट इज टोटल ओके. सो ये लाइक माइंडसेट जो लोगों के हैं, अभी भी लोग बोलते हैं, कई लोगों को इसको झेलने की भी ताकत नहीं है. आप लोग तो बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल करते हो. तो जो लोग हैं और जो अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहते हैं, एक पिंजरे से बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ कहाँ से यू नो जनरेट होगी, कैसे उनको वो पावर आएगा कि वो उस चीज़ का जवाब दे सकें? जवाब देने वाली बात जो है, सबसे अच्छा जो वे होता है जवाब देने का, साइलेंस रहने का. साइलेंस रहने, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर हम कहते भी हैं. तो कई बार अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है सामने वाला, अगर आपको वायलेंस, फिजिकल वायलेंस पे नहीं उतर रहा है, तब तक आप साइलेंस से उसको जवाब दीजिए. लेकिन अगर फिजिकली वायलेंस हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली आप लीगली एक्शन ले सकते हैं इन एनी वे, राइट. तो अगर जो चीज़ कैजुअली काम हो रहा है, उसको हम उसको उतना टॉक्सिक वे में ना करके हम बातों से भी हम सुलझा सकते हैं. और अगर कोई समझ नहीं रहा है, तो हम उनको प्यार से भी समझा सकते हैं. वो कहते हैं ना, एक तीर से मारना और एक फूल से मारने में बहुत फर्क होता है. तो अगर हम बातों को फूल या प्यार के जरिए ही कहें, तो लोग क्या पता समझ जाएं. वेरी नाइस. आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस साइड, आपने बोला था स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है. स्ट्रेंथन कोई अगर कर सकता है, दैट इज पेरेंट्स फैमिली. तो जब हम छोटे रहते हैं, आपको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, हमारी घर वाले पेरेंट्स हमारे हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं. करेक्ट, ठीक है. बींग गे और लेस्बियन, उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है. बट जब हमें पता चलता है, दिस इज 2020 और टू, और सबको पता है ये सारी चीज़ें. कहीं ना कहीं आजकल विजिबिलिटी बढ़ने लगी है, हम हर न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं. आज देखो छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटा स्टेट में भी हम एक ऐसा जगह पे प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, जहाँ पे हम LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ लाइक सोसाइटी एक्सेप्टिंग दिस डेज. तो ये जो सोसाइटी है ना, वो कोई अलग ग्रह से आने वाला इंसान नहीं है, ये हमारी खुद की फैमिली है. अगर हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करने लग गया ना, तो दैट वुड बी ए स्ट्रेंथ फॉर पीपल लाइक अंकित एंड आई एंड देर आर सो मेनी पीपल, राइट. तो या एक्सेप्टेंस इज ए की ब्रह्मास्त्र. अगर हम यहाँ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अभी कितने परसेंट लोग एक्टिव हो चुके हैं और बहुत लाइक ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत वेलकमिंग से हैं. स्टार्टिंग में तो आई नो कि बहुत चीजें दिक्कत गई, चीजों लोगों को समझाना, लोगों को एक इकट्ठे एक फैमिली बनाना. फैमिली बनाना भी एक बहुत बड़ा टफ टास्क रहा होगा आई गेस, कि लोग आपके पास आना तो चाहते थे पर आने से भी डरते थे. हुआ था ये चीज? Yes. मैं सिद्धांत मेरे से पहले से भी छत्तीसगढ़ में रह रहा है. ओके. ऑनेस्टली एंड आई मूव टू रायपुर 2018 में प्रॉपरली. उस समय आई वाज नॉट एग्जैक्टली सो मच इनटू मीटिंग क्वीयर इंडिविजुअल्स ऑफ रायपुर, बट धीरे धीरे उस समय और आज जब मैं कंपेयर करता हूँ, उस समय देर वर सो नॉट मैनी पीपल जो बाहर थे. और उस समय तो नया डिमोलिशन हुआ था सेक्शन 377 का, जब मैं आया रायपुर में. बट आज अगर देखते हैं तो आज बहुत सारे नए फेस आ गए हैं. सिद्धांत भी मानता होगा कि मतलब पहले के कंपैरिजन में आज के समय में बहुत लोग आ गए. एंड आपका जो यंग यूथ है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनमें और ज्यादा पुश कर रहे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए. ज्यादा हिम्मत है उनके अंदर एज कम्पेयर टू हमारे टाइम पे, है ना. क्यों सिद्धांत? छत्तीसगढ़ एक्चुअली काफ़ी वेलकमिंग स्टेट है. अब कोई भी चीज़ उठा लो यहाँ पे, अब गरबा आ रहे हो, गरबा में देख लो, हर गली में हर मोहल्ले में आपको गरबा करते हुए लोग मिलेंगे. सही है. तो आर स्टेट इज वी आर रियली प्राउड ऑफ आर स्टेट, दैट सारे चीज़ों के लिए इतनी वेलकम है हमारी स्टेट. हम कुछ भी करते हैं, इवन दो वी हैव डन अ प्राइड वेरी रिसेंटली 18th of September.
तो काफ़ी लोग आए हुए थे. इट वॉज़ अ ग्रेट विजिबिलिटी लाइक हार्ट ऑफ द सिटी. बहुत लोग आए हुए थे, नॉट ओनली जस्ट छत्तीसगढ़, बाहर के लोग भी आए हुए थे. तो अबाउट स्टेट, ये तब चेंज होता है जब हम एक पॉलिसी लेवल पे चेंज देखते हैं, जब हम एक लॉ लेवल पे, लीगल लेवल पे, लीगल लेवल पे होता है. तो 377 डिस्क्रिमिनलाइज जब हुआ 2018 पे, उसके बाद चेंजेस स्टार्ट हुआ. उससे पहले हम कभी कोई फिजिकल मीट का प्लान नहीं करते थे. अगर हम फिजिकल मीट किए, कोई आके बोल दिया अरे देखो छक्कों का झुंड इकट्ठा हुआ है, अरे देखो मीठों का झुंड इकट्ठा हुआ है, तो वो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट मेरे जैसे और भी ऐसे लोग हैं जो इतना जल्दी सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर पाते. तो वो तो वहीं से कर जाएंगे ना. वेरी ट्रू. तो ये चीजें रही है, बट वेरी लाइक वी आर लकी दैट द छत्तीसगढ़ अभी जो है इतना ज्यादा अच्छे से ओपन आर्म्स लेकर बैठा है और सभी का वेलकम कर रहा है. एंड ये कॉन्वर्सेशन रहेगी जारी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. एंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. मेरे साथ ये दोनों सेलिब्रिटीज कंटिन्यू रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो आप भी कहीं मत जाइए. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो द सेलेब्स काउच एंड द जर्नी ऑफ कायनास. दो कायना मेरे साथ आज बैठे हैं, सिद्धांत एंड अंकित. सो रायपुर वेलकमिंग रहा है, और जितना रायपुर रहा है उतने आप लोग भी रहे हो, ये मुझे मालूम है. तो जब लोग आपके पास आते थे कि हमें कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, या हमें आपके साथ रहना है, या टीम का मेंबर बनना है, और जब वो रहने लगे, या मैं कहूं कि अब, तब के माइंडसेट में और अभी के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? माइंडसेट तो बहुत बदला है, लेकिन व्हेन वी आर सेइंग कम्युनिटी ज्वाइन करना है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि लोग जब रायपुर आ रहे थे तो वो लोग कम्युनिटी नहीं बल्कि एक परिवार की तलाश में आ रहे थे. वेरी ट्रू. सेफ स्पेस ढूंढ रहे थे वो. सेफ स्पेस, राइट, है ना? क्योंकि जो क्वीर इंडिविजुअल्स हैं उनके पास तो वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं बात करने के लिए. करेक्ट. अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने के लिए, तो वो किसी को साथ ढूंढते हैं, किनसे अपनी मन की बात कह सके, जो उनको सुने, उनको सपोर्ट कर पाए और उनको कुछ सजेशन एडवाइस भी दे पाए, राइट? तो वो उनको एक इमोशनली एक परिवार दे वर लुकिंग फॉर इन रायपुर. जो हमारे क्वीगर से जो जुड़े हैं आज तक, उनको हमेशा से शुरुआती दौर से ही सिद्धांत के घर था एक, उस घर में पूरा कम्युनिटी आता था, गैदरिंग होती थी, तो लोगों को एक फैमिलियर सब होमली फील होता था वहाँ पे. एंड वही होमली फील सबको और अट्रैक्ट करता गया, सपोर्ट मिलता गया, क्योंकि वहाँ पे हम खुल के बात किया करते थे. कुछ भी मन की बात थी हम सब एक दूसरे से शेयर किया करते. कोई जजमेंटल नहीं, मतलब कुछ नहीं, वहाँ वो पर कुछ होगा ही नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल नो, जीरो जजमेंट्स. एंड वही जो था घर, उसी से लोग जुड़ना चालू हुए, और आज वो जर्नी इतनी बड़ी हो गई है कि हम और ग्रो किए हैं और भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं अपनी बातें. घर छोटा पड़ गया, लोग बढ़ गए. पड़ गया. लवली लवली. एग्जैक्टली. तो उनके दिमाग में ये चीजें रही कि मतलब हमें जुड़ने के बाद, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज सा लगता है जब लोग आकर जुड़ते हैं तो? चेंज तो नहीं कह सकता, लेकिन जब जो नए लोग आते हैं रायपुर में और जिनको नहीं पता होता है कि हम सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे, कह सकते हैं जी, मोस्टली हम एक साथ ही परिवार की तरह रहते हैं अब यहाँ. तो जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अच्छा एक ग्रुप है जो बहुत ही फैमिलियर ग्रुप है, होमली पॉजिटिव ग्रुप है और सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो जब वो हमसे जुड़ते हैं तो ना वो मतलब हमेशा के हो जाते हैं हमारे, और हम एक दूसरे के हमेशा हो जाते हैं. कहूँ तो एक दोस्त के रिश्ते से, एक परिवार के रिश्ते से, या भाई के रिश्ते से, या बहन के रिश्ते से. करेक्ट. तो बहुत रिश्ता बन जाता है एक दूसरे से, है ना? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि ठीक है हम एक परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर एक
एक फैमिली रह रही है जहां पर दो लड़के एक पसंद करते हैं आपस में, लड़कियां आपस में एक दूसरे से प्यार करती हैं, ठीक है, होता है. तो अगर इनके फ्यूचर की बात करें, जैसे कि आई गेस इंडिया में गे वेडिंग्स जो है, गे मैरिजेस अभी लीगल नहीं है, क्या लगता है कब तक ये यहाँ अलाउ हो जाएगा या और भी इसके पीछे कुछ चीजें चल रही है? I would like Siddhant to speak on these things. I have heard him speaking on these things and he has some amazing views. Definitely, Siddhant, हमारी audience literally जानना चाहती है क्या अपन इसके पीछे भी कुछ चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं? Yes, yes. अभी हम एक परिवार के बारे में बोले थे, मैं थोड़ा सा बस add on करना चाहता था. जब मुझे पता चला कि मैं ऐसा हूँ, मैं क्या किया, घर से कितना ज्यादा दूर रहूं ताकि मेरे वजह से मेरे घर वालों को दिक्कत ना हो. हाँ. कि मैं मीठा अगर हूँ तो एक ये मीठा के माँ बाप है करके उनको कोई ना बोले. तो मैंने तब घर छोड़ दिया था, पर मैं घर छोड़ा था पर मैंने अपना सपना देखना नहीं छोड़ा था कि मैं सिद्धांत हूँ और मुझे इस जिंदगी को आगे जितने साल तक जीऊँगा उतना जीना है. ये हिम्मत मैंने नहीं हारा था. तो एक अब स्ट्रैटेजी देखेंगे तो एक स्टैटिस्टिक्स में ऑल ओवर इंडिया में मतलब 95-94% ऑफ कम्युनिटी जो अपने घर छोड़ देते हैं. अब सोचिए कोई बच्चा 18 साल के उम्र में 17 साल के उम्र में घर छोड़ता है, वो अपने कैरियर पे क्या करेगा, क्या वो ड्रीम कर सकता है, क्या सपना वो देख सकता है ना? तो क्योंकि उसका पूरा फोकस तो अपने आप को सेटल करने में ही हो जाएगा. यस, ना वो पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे. राइट, वेरी ट्रू. ना वो सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ मिलजुल पाएंगे. या तो वो सेक्स वर्क करेंगे, या तो बेगिंग करेंगे, या तो सम पीपल सुसाइड कर लेते हैं. तो ये है हमारी कम्युनिटी का स्ट्रगल. फिर बात आई शादी की, तो पहले तो सब कोई एक्सेप्ट कर ले. फिर शादी तो मेनस्ट्रीम सोसाइटी में, मेनस्ट्रीम सोसाइटी लोग शादी ना करके भी रहता था. 2022 के एज पे लोगों के लिए शादी उतना इम्पोर्टेंस कभी हो ही नहीं पा रहा है. शादी इट्स ओके, शादी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं हुआ. एक अच्छी जिंदगी होना चाहिए, एक अच्छा इंसान हम है वो हम खुद को प्रूव कर पाए, दैट्स इट. इवन फॉरगेट अबाउट एलजीबीटी को कम्युनिटी, आप ऐसे हेट्रोसेक्सुअल सिसजेंडर कपल्स में भी देखेंगे, दे डोंट वॉन्ट टू प्रीफर कि हमें शादी करना है या फिर बच्चा पैदा करना है. वो कैरियर फोकस्ड होते हैं. Correct. अच्छा लाइफ जीने के लिए ड्रीम अप करते हैं, ठीक है. काइंड ऑफ लिविंग रिलेशनशिप दे मेंटेन. Also, yeah, शादी also important. हम सब देखेंगे हमारी मम्मी पापा शादी किए, बच्चे हुए तो हम जैसे बच्चे हुए, यू नो, सेम हमारे भी, हमारे अंदर भी एक पेरेंटल इमोशन है कि हम भी किसी को, किसी बच्चे को अच्छे से केयर करना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, राइट. तो यस, अभी काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट पे इस लॉज को लेके, सेम सेक्स राइट्स को लेके फाइट चल रही है. तो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस इतनी सपोर्ट में नहीं है, बट वी कैन थिंक कि ग्रेजुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब 377 हटा था तभी भी काफ़ी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो चीज़ें हट जाएंगी, बट ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें एक बैन था जो चीज़ें हट गया, उसके बाद लोग और ज़्यादा आगे आकर के अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए. उसके बाद लोगों के पास एक अलग स्ट्रेंथ आई कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए हाथ मिलने लगे. नो, हैंड्स बोलते हैं, हेल्पिंग हैंड्स. तो वो सब चीज़ें हम तो लाइव देख रहे थे रायपुर में. और प्राइड मार्च के बारे में मुझे थोड़ा जानना है यार, बहुत अच्छा फैंसी सा लगता है, यू नो, सब तैयार व्यार होके एकदम फ्लैग लेके निकलते हो, क्या एक्सपीरियंस है, पर्पस क्या अपने प्राइड मार्च का? फैंसी लगता है बट उतनी फैंसी है नहीं. नहीं है. कितनी डिफिकल्ट है इतना सारा मेकअप करके रास्ते पे उतर के आना जहाँ पे आपको तारीफ है नहीं, आपको जजमेंट्स मिलेंगे. कितना डिफिकल्ट है. मैं एक लड़का हूँ और मैं अपने आप को लड़की जैसा शो करना चाहता हूँ, और वो भी हजारों लोगों के बीच. वहाँ पे मुझे वाह वाह नहीं मिलेगा, आप कितने सुंदर दिख रहे हो, अरे देखो कितना, मतलब लड़का है कैसे लड़की जैसे तैयार हुआ है, अरे देखो मामूलों का संगठन इकट्ठा हुआ है. सो दीज आर द जजमेंट्स वी डू हियर नो. तो इतनी सारे स्ट्रगल्स के बीच खुद को शोकेस करना, आपकी खुद की वजूद को सामने लाना इज अ डिफिकल्ट. बट सिद्धांत, डोंट यू थिंक सो, ये एक जस्ट नजरिए का फर्क है. मतलब मुझे ये बहुत फैंसी, बहुत प्यारा सा लगा कि मतलब यार कितने हैप्पी सोल्स हैं, मतलब अपनी जिंदगी बहुत आसानी तरीके से जी रहे हैं, और जो मन में है करना है, मतलब मुझे ये करना है तो करना है. और ऑल दो अगर हम पर्पस की बात करें तो प्राइड मार्च का एक्चुअली पर्पस क्या है? ओके, तो प्राइड मार्च का एक्चुअल
रीजन ये है कि हम अपना विजिबिलिटी लाना चाहते हैं, हम ऐसे ही हैं, है, हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करो, ठीक है। शादी होता है, बाराते निकलते हैं, वेरी ट्रू, ठीक है। गणेश पूजा की झांकी होती है, हम मस्त अपने रिचुअल को कल्चर को सामने लाते हैं, वाओ, ठीक है। सिमिलरली हम इंसान हैं, हमारी खुद की वजूद है, ठीक है। लड़का है तो ऐसा, गे हूँ तो ऐसा मतलब नहीं कि मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं लेस्बियन हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक प्यार का जश्न हम मनाते हैं, वाओ, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस जैसे हैं पूरा डिटो वैसे सामने आते, मतलब जो अंदर चल रहा है वो बाहर लाना है, यस यस, टू जस्ट स्प्रेड अवेयरनेस ऑन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी दैट वी पीपल आर एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सो दिस इज द मेन रीजन एंड मुद्दा हमारी, और सरकार की नज़र में भी आ सके कि वी हैव सम नीड्स, वी नीड सम प्रोटेक्शन, वी नीड सम पॉलिसीज, यू नो, वी हैव लाइक बींग ह्यूमन, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हमारी है, तो वो सेम सारे सम्मान अधिकार हमें मिले, डेफिनेटली, यस। तो दीज आर द मेन थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ओकेजन टू सेलिब्रेट, एक सेलिब्रेशन का वो मौका भी है, इट्स काइंड ऑफ दिवाली, मुझे ऐसा लगता है कि वो, और जो प्रिपरेशन मैं देखता हूँ लाइक एमडी के पास में, जो पेपर्स पे कलर करना, फ्लैग्स रेडी करवाना, लोगों से मिलना, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना, और जब लोग आकर आपसे मिलते हैं, हग करते हैं और वो खुश होते हैं, तो फिर आपके चेहरे पे वो स्माइल आना अपने आप में, यू नो, एक नई चीज जनरेट करती है, क्यों अंकित? बिल्कुल, शेयर दैट स्टोरी, दैट किड जो 3 से 4 बार ऐसे तुम्हें क्रॉस किया, देन एट लास्ट ही हग्ड यू, या एग्जैक्टली, वी डिड दिस इम्प्रॉम्प्टु इवेंट एट मरीन ड्राइव ओनली, फ्री हग्स वाला इवेंट, देर वॉज दिस किड, हम सब बैनर्स लेके खड़े थे, फ्री हग्स, हग अस इफ यू, इवन इफ यू आर क्वियर, इवन इफ यू आर ट्रांसजेंडर्स, तो बहुत सारे लोग बस देख के जा रहे थे, बहुत सारे लोग आके हग कर रहे थे, देर वॉज दिस किड जो बहुत बार हमको क्रॉस किया, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है ही वाज जस्ट यू नो कलेक्टिंग हिज गट्स और कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर रहा था कि आके हमें हग करे, एंड दो तीन बार क्रॉस किया उसे, लेकिन चौथे पांचवे बार में उसने वो आया हमारे पास और हमें हग किया, हमसे हैंडशेक किया और हमसे बातें किया, एंड वो चीज बहुत अच्छी लगी कि मतलब दिस इवन टू एक्सेप्ट और यू नो इवन टू लव शो लव अफेक्शन और लव इट रियली नीड्स गट्स और कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, एंड वो इंसान प्यार दिखाने के लिए हमारे पास आया, हमको प्यार से हमसे बातें की, वो हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उसने बातें की हमसे, भले थोड़ी बातें की लेकिन बातें की, आपके पास आया तो वो आया, उसने, लोग तो आपको देखकर निकल रहे हैं, या और उसने कम से कम ये देखो कि 3 बार 4 बार स्ट्रेंथ अपनी उसने लगाई कि मतलब हाँ मुझे अब जाना है, अब जाना है, वो करेज दिखा करके आना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। और उसके मतलब मेरा मानना ये भी है कि जिस हम बहुत सारे लोग थे उसमें, तो ऐसा ये यहाँ पास ये भी पॉइंट आता है कि उसके मन में शायद ये भी चल रहा हो, व्हाट इफ अगर वो हमारे पास आया और लोग उसे भी जज कर रहे या कर रहे, दैट्स अ पॉइंट, वो उसके मन में चल रहा था, तो उसने वो जजमेंट वाला जो चीज था उसको डिलीट करके वो हमारे पास आया, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं कट टू कट पॉइंट बात करूं, तो क्या स्ट्रेट जो है वो आपको ज्वाइन करते हैं पार्टीज में, या फिर अगर कुछ हम ऐसा कुछ गैदरिंग करते हैं तो? ओके, आई जस्ट हैव टू क्वेश्चन फॉर यू। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, करेक्ट, फर्स्ट। सेकंड, बहुत ज्यादा ट्रेंडी एक लाइन है दैट वी आर वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो क्या सिर्फ लड़कियां लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं? नहीं। ओके, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, क्या यहाँ पे सारे ए क्लास लेवल के लोग पुरुष होते हैं? नॉट एट ऑल। नो, आज की हमारी प्रेसिडेंट कौन है? शी इज अ वुमन एंड शी इज ट्राइबल वुमन। तो जिस तरह से मैंने बोला कि आपको जरूरी नहीं है, आप लड़का है तो आप बस लड़कों को सपोर्ट करेंगे, आप लड़की है तो सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, दैट डजंट मीन आपको एक गे को सपोर्ट करने के लिए गे बनना पड़ेगा। वेरी ट्रू, ठीक है। और हमारी घर पे भी हम सबको तैयार करने के लिए माँ भी चाहिए और पापा भी चाहिए, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि पुरुष प्रधान देश होना जरूरी है। आज हमारे प्रेसिडेंट वो खुद एक औरत है, इवन एक आदिवासी औरत है, ये कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो भाई, जजमेंटल आइज इज एवरीवेयर इन विद इन कम्युनिटी एज वेल। ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरी कम्युनिटी दूध का धुला हुआ है
और हमारे साथ सिर्फ यू नो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं और स्टिग्मास होती है, ठीक है, लड़के के साथ भी होती है, लड़की के साथ भी होती है, हमारी कम्युनिटी के साथ भी होती है. तो इट्स जस्ट दैट कि अच्छा इंसान भी है, अच्छे इंसान भी है, राइट. तो या जिनका नजरिया जैसा, यस राइट, वही मेरा पर्पस है पूछने का. क्या हमें और स्ट्रीट हैंड्स मिलते हैं या जो ग्रुप है सिर्फ उन्हीं की, मतलब अपनी कमेटी के लोग ही जो यू नो एक स्ट्रेंथ बन के खड़े होते हैं, या बाहर के लोग भी रहते हैं? रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं. एलाइज तो रहते ही हैं, एलाइज हु आर एलाइज, जो सपोर्ट करते हैं LGBTQIA+ के इनिशिएटिव को, दे आर एलाइज, दोज़ हु सपोर्ट द इनिशिएटिव, राइट. तो अभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के न सिर्फ LGBTQ इंडिविजुअल्स थे बल्कि इनका एक प्रतिशत हेटरोसेक्सुअल एलाइज का भी था. बहुत सारे इस बार नए नए बहुत सारे एलाइज हमसे जुड़े हैं सपोर्ट करने, हमारे सारे इवेंट्स में आए हैं वो, और प्राउडली वो बता रहे थे कि हम एलाइज हैं सबको, एंड हमारी कितनी मदद की उसने हमारे इवेंट्स में इस बार, तो अच्छा लगा ये देख. जब परिवार बढ़ता है तो कितना अच्छा लगता है, राइट. बहुत परिवार से याद आया, जब हमने 2015 में ऐसे सोच रहे थे तो तब हमें खुद को भी डर लगता था कि अगर हम एक साथ इकट्ठा होंगे, सी लोग मुझे तो किन्नर भी नहीं बोलेंगे ना, ठीक है. वो एक अंदर की खुद का भी फोबिया हुआ करता था कि लोग मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे. तो एक फ्रेंड मेरा भिलाई में था, मैं रहता था रायपुर में, हम दोनों व्हाट्सएप पे काम करना स्टार्ट किया था. तो इट वॉज जस्ट ए ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल, नाउ वी आर मोर देन 3,000. व्हेन यू स्टार्टेड? यस, व्हेन वी स्टार्टेड, नाउ वी आर मोर देन 3,000 इंडिविजुअल्स. 3,000? अमेजिंग. सो यस, इस तरह से हमारे परिवार बड़ा हो रहा है. और जरूरी नहीं है, मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँ, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आप लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर नहीं हो जाएंगे. एक सपोर्टिंग हैंड की सबकी ज़रूरत है. देखिए, हमारे घर में हमारी माँ को हमारे पापा सपोर्ट करते हैं, एक भाई को एक बहन सपोर्ट करता है. सिमिलरली आप हमारे फ्रेंड्स, आप हमारे मे भी प्यार, जिस तरह से हो, बस सपोर्ट की ज़रूरत है, एक अच्छी नज़रिया की ज़रूरत है. आज अमन मेंशन बार 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 कि अच्छा नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए. यस और मुझे लगता है कि इस चैट शो के बाद, इस जो हमने इनिशिएटिव लिया कि चीज़ों को हमको यू नो आउटकम करना है, जो एक्चुअल में जो नज़रिए की बात हम कर रहे थे, तो आपको देखने का नज़रिया है, मुझे वो बहुत फैंसी, बहुत प्यारा सा लगा, देख के लगा कि मतलब कितने हैप्पी सोल्स हैं. वहीं पर किसी को ये लग रहा था कि ये क्या नमूना बन के घूम रहे लोग. तो अपना नज़रिया बदलो गाइज, तो यू नो नज़ारा अपने आप बदल जाता है. इट्स वेरी ट्रू. सो लास्ट, मेरे जो आपकी ऑडियंस है, आपके फैंस हैं, हमारे कुछ ऑडियंस हैं, लकीली थोड़े बहुत फैंस हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है कि मुझे आके फैमिली ज्वाइन करनी है आपकी, ठीक है, तो उनके लिए क्या एक लास्ट मैसेज होगा? मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, जस्ट बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट ओनली मैटर्स. जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. और अगर उस कॉन्फिडेंस को आपको पाना है तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो और किसी की मत सुनो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप खुद को खुश नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको खुश नहीं रख सकता. तो आज अंकित मेंशन कि खुद को एक्सेप्ट करो, प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, इधर यू आर के बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, क्वेर और व्हाटएवर, आप हाइट में कम हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, आप जैसे भी हैं, आप इंसान हैं, राइट. उससे अच्छा आइडेंटिटी, उससे बड़ा आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं. आप इंसान हैं, एक अच्छा इंसान बनिए. आपकी सेक्सुअलिटी कोई मायने नहीं रखता, आपके जेंडर कोई मायने नहीं रखता. अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं. सो गाइज, ये कॉन्वर्सेशन तो चलता रहेगा एंड बारी है अब सेगमेंट 2 की, जहां हम थोड़ी मस्ती और थोड़ी खींचातानी करने वाले हैं सिद्धांत एंड अंकित के साथ. रेडी हो आप लोग? या, हम तो आज बहुत मस्ती करने वाले हैं आपके साथ. सो गाइस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. Welcome to the Celeb's Couch.
वेलकम बैक टू द शो गाइस, द सेलेब्स काउच स्वागत करता है आपका। जी हाँ, मेरे साथ दो सेलेब्रिटीज कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तो गेम की बारी है, थोड़ी खींचातानी तो बनती है। सो गाइस, रेडी? तो अभी जो है इट्स अ गेम सेगमेंट, और जहां पर आप बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे, हम थोड़ी आपकी खींची तानी करने वाले हैं। रेडी है ना? आप खींचेंगे और हम दोनों। सो कुछ आपको टास्क मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको रैपिड फायर तरीके से आपको आंसर करना होगा, वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी क्विक, एंड ये डिसाइड करेगा आपका फोन, ठीक है? सो दोनों फोन यहाँ रख दीजिए। सो अंकित, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? ब्लू। ऑल आई गेस। स्टील कोई सा भी एक? येलो। ब्लू एंड येलो। सो यू हैव टू कॉल एनीवन, जिसको भी आपको कॉल करना है, एंड आपको आपका फेवरेट कलर पूछना है। यू कैन टेल देम कि आई एम मिड ऑफ द शो और मुझे एक टास्क मिला है, एंड जिसका भी आंसर मुझे पहले मिलेगा वो ये फर्स्ट राउंड जीत जाएगा, ठीक है? एंड जो बाद में आंसर देगा या जो नहीं दे पाएगा उसके लिए ये शॉट रेडी है, जिसके जितने शॉट्स होंगे वो उतना पॉइंट लूज करता जाएगा। डन? ओके। 3, 2, 1, गो। किसे कॉल कर रहे हो अंकित? I'm calling श्रद्धा। श्रद्धा। अंशिदान? I'm calling पायल। स्पीकर ना? या। कॉल अच्छा। ओह गॉड, फोन यू ट्राई। ओके। आंसरिंग तो हुआ। कॉल क्यों उठाए? कॉल। हाय पायल। हाय। मैं अभी एक शो पे हूँ, चार शो पे। यस। डू यू नो व्हाट इज माय फेवरेट कलर? योर फेवरेट कलर? तुम्हारा फेवरेट कलर? ना, तुम्हारा व्हाइट तो। नो। वो क्लू दे सकते हैं? वी कैन गिव द क्लू। ओके नो। तुम्हारा फेवरेट कलर? अमर तो ब्लैक। ब्लैक? चंपा। येलो। कंटिन्यू पूछते रहो, क्लूज दो। येलो नहीं है। No. Give some clue. सुबह तुम क्या करते हो? सबसे पहले येलो। ओह डैम, व्हाट अ क्लू मैन। ओह गॉड, कूल। सो अंकित, रेडी फॉर द शॉट? यस, इट इज येलो। यस। Okay. Thanks, Pyle. Go on. It's a lemon soda, like lemon shots, not vodka. हमने हेल्थ का भी ध्यान रखा है यहाँ पर, क्योंकि यू नो मायका है ना, जो है ना ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो स्किन को निखारता है, और लेमन भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कूल, आगे बढ़ते हैं। सो विल स्टार्ट विद सिद्धांत, क्योंकि आप जीते हो तो आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, सो टेल मी, बहुत जल्दी आपको आंसर देने हैं, जो फर्स्ट वर्ड आए या जो भी आए आपको स्टार्ट करना है। कूल, ठीक है, रेडी? अभी तक आपका वर्स्ट कोलैबोरेशन क्या रहा है? स्टूडेंट मेंशन नेम? हाँ, इफ यू डोंट वांट टू मेंशन, यू हैव टू टेक द शॉट। आई कैन नॉट, क्योंकि नेक्स्ट मुझे उनके साथ फिर से काम करना है। ओके, चलो, वी अंडरस्टैंड, कैमरा भी समझ गया है। आप जब सिद्धांत जिसके साथ काम करेगा तो समझ लीजिएगा। यस। ओके कूल, अपनी दो बुराई करो। ओके, माय सबसे ज्यादा बुराई इज, आई डोंट नो, अंकित कर लेगा मेरा बुराई। मैं कर दूं? हाँ प्लीज। ओके, इसकी वजह से ज्यादा बुराई होती नहीं है, बट क्या बुराई है, he likes dogs a lot and he keeps dogs घर पे ही, and घर पे बहुत मैसी कर देना सब। मैस हो जाता है। नंबर वन दिस एंड दैट्स इट। एक झूठी तारीफ करनी है आपको? गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। बहुत गुस्सा करता है ये? Yes. Well done. Okay.
कोई इंसिडेंट रहा जहाँ बैड ट्रोल हुए हो? वेरी रिसेंटली दैट हमारी प्राइड मार्च पे मेरे दो मित्र थे, वो बाहर से आए हुए थे प्राइड मार्च अटेंड करने के लिए एंड दे स्मूज्ड इन ए पब्लिक प्लेस. तो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े शब्दों में निंदा किए थे कि ऐसे अश्लीलता फैलाया जा रहा है ऐसे समलैंगिक लोगों के द्वारा. तो इट वॉज अ बैड ट्रॉल और मुझे लगा वो एक इंसानियत नहीं दिखाए अगर कोई. और इट वॉज ए प्री प्लान इवेंट, ठीक है. और ठीक है, हम इट वॉज ए सोशल इवेंट, पब्लिक इवेंट, बट किसिंग समबडी कहाँ से पाप होने लगा है? दो वी हैव लॉज कि हम अश्लीलता स्मूचिंग किसिंग और हैविंग सेक्स इन पब्लिक प्लेस इज नॉट नॉट ऑफकोर्स नॉट लीगल, बट कंसेंट पे एक प्री प्लान इवेंट पे दो प्यार करने वाले व्यक्ति अगर किस करते हैं, ठीक है, और वो भी इसलिए ताकि एक विजिबिलिटी ला पाए, एक अवेयरनेस ला पाए. मतलब इट वॉज अ रोल प्ले प्रोबेबली, इट वॉज नॉट जस्ट सेक्स वाला किस और स्मूच. बट एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों में निंदा किया था कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का निंदा किया था. तो इट वॉज अ बैड ट्रॉल फॉर मी एज ए ऑर्गेनाइजर दैट दैट मैं अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया पर्टिकुलर इवेंट. कहीं ना कहीं हमें उस चीज का बुरा लग रहा होगा, राइट? ओके. कभी खुद से बोर हुए हो? या कब कब सबसे ज्यादा बोर होते हो अपने आप से? रात को सोते टाइम. आई नीड समवन टू स्लीप साथ बगल में, थोड़ी बातचीत होती रहे रात भर. ओके. इंस्टा में अब तक का सबसे मजेदार कमेंट क्या आपने पढ़ा है? आपके बाल खुले हुए रहते हैं, जब पीछे से देखता तो लड़की लगता है, पर सामने देखे तो धोखा. ओके कूल. सो कुछ लाइंस है जो आपके फ्रेंड सर्कल में किसको सूट होता है आपको बताना है. ओके okay. ठीक है. पहली फुर्सत से निकल. Can't say. ओके. जस्ट फॉर द फनी. सौरभ रंगारी. सौरभ को. ओके ओके. कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है. विक्टर फ्रांसिस. विक्टर ऑल टाइम. यस. ओके कूल. तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं. अंकित दास. ओके. आज पूजा कल कोई और दूजा. बिना सेंद्रे. शिवरा किल यू. सी विल आई नो. ओके. द नेक्स्ट वन. कुंडी लगा लो सैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं. देयर सो मेनी. किस किस का नाम लो. देयर सो मेनी. या हां, फिर भी दो चार नाम तो बनता है, फिर दूसरा नाराज हो जाएगा. अरे बाप रे. ओके लेट इट बी. ठीक है. रैंक योरसेल्फ इन दिस टर्म्स, ठीक है, एज अ सोशल वर्कर आउट ऑफ 10. आउट ऑफ 10 अभी भी ऑन 10. आई नीड टू वर्क मोर एंड हार्ड. लाइक 8-9. मुझे लगा अभी भी 10 में हूँ, अभी जस्ट शुरुआत किया हुआ है, तो कैन मार्क माई सेल्फ लाइक. बट स्टिल अगर नंबर वाइज जाना है तो आप ही नंबर दीजिए. दैट यू वाज मेरे हिसाब से तो यू आर मोर देन 10. ओह थैंक यू सो मच देन. कूल. ओके. एज अ सिंगर. एज अ सिंगर आई एम 0. 0 माइनस का भी ऑप्शन है. ओके देन माइनस. ओके. एज अ कुक. खाना तो अच्छा पकाते हो. या आई एम गुड एट इट. आई एम गुड एट इट. 8-9 उससे भी अच्छा दे सकता हूं मैं. हां हां क्या बात है. एज अ लाइक काम वाली बाई. काम वाली बाई इन द सेंस मतलब पूरा घर का देख रेख करना. क्लीनिंग एंड ऑल. क्लीनिंग एंड ऑल नॉट वेरी मच. 9-8-9. 8-9. या 8-9 इज अ गुड नंबर. और गुड नंबर. ओके देन 2. 2 नफ. यस. ओके. एज अ चुगली वाली आंटी. चुगली वाली आंटी. वी डू गॉसिप अ लॉट. हां वी डू गॉसिप. इज हेल्दी फॉर हेल्थ. हां दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना दैट इज वी आर नॉट 7-8 आंटी. 7-8 गॉसिप्स. या ओके. एज अ फ्रेंड. आई एम गुड एट फ्रेंडशिप. 1. 8. ओके. ओह यू हैव टू गिव दैट दिस मार्क. 1 एंड 2 रैंक 10. ओके. या 10. 10 आउट ऑफ 10. 10. या ओके. एज अ मस्तीखोर. आई एम 10 ऑन 10. 10 ऑन 10. एज अ लाइक ट्रिप. Trip planner. Trip. I'm best at it. Best I at love it. Traveling. Yeah. क्या बात है. Okay. Now I'm giving you a sentence जिसको आपको अपने अंदाज में बोलना है. ठीक है. ये एक डायलॉग है मूवी का जिसको आपको कुछ मैं एक्शंस दूंगा एंड आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा उसमें आपको ये बोलना होगा. कूल. ठीक है. एंड द डायलॉग इज
पिक्चर तो सिर्फ तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट. ओके, ठीक है, ये आपका वर्ड है एंड आपको अलग अलग इमोशंस को बोलना है. सो फर्स्ट इज एंग्री. एंग्री ऑन मी, सॉरी मैं गुस्से में नहीं बोलता होगा. जैसा बोलोगे. लास्ट एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा क्या होगा? देखो पिक्चर सिर्फ तीन चीजों के वजह से चलती है, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. कूल. ओके, इन लव, व्हेन यू आर इन लव. देखो पिक्चर सिर्फ तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. ओके, एंड व्हेन यू आर इन इमोशन, लाइक दिल विल टूटा है और वो मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोलता. आई स्लीप नॉट एंड देन पिक्चर सिर्फ तीन चीजों से चलता है अंकित, दैट इज एंटरटेनमेंट हूँ. ओके, वेरी क्लेवर, बहुत चलाक. या पिक्चर तो सिर्फ तीन चीजों से ही चलती है भाई साहब, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. और देख लो मेरे को. ओके, लास्ट वन, लस्ट. वो इसमें बोलने की क्या जरूरत है, कर लो जो करना है. बट स्टिल लास्ट एक्सप्रेशन चाहिए. इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट. वाह, वेरी नाइस. सो क्लैप फॉर सिद्धांत. बहुत बढ़िया आपके आंसर्स रहे. गिफ्ट हम तो डेफिनेटली विल गिव. पहले हम इनका तो देख ले. Cool. दोनों में से कौन जीत रहा है. अंकित रेडी? या ओके, टेल मी थ्री हॉट बॉय इन द टाउन नेम. रोहित, यश, रोहित. दो रोहित अलग अलग. ओके ओके, कूल. ओके, वुड यू लाइक टू एक्सपोज योर एक्स नेम? आई एम स्टिल सिंगल एंड आई वाज सिंगल. आर यू सीरियस? देयर वाज समवन बट आई वोंट काउंट अ डे, अ सिंगल डे रिलेशनशिप. ओके कूल, दैट विल बी फाइन. वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ टिल नाउ? फुल टाइम जॉब करना. 9 to 5 वाला? या. ओके, एंड यू आर डूइंग राइट नाउ? या. ओके. ओके, टीम में कामचोर कौन है? कोई नहीं है. बट फिर भी जो कम काम करता है थोड़ा सा मानकर. देखो मैं तो भिड़वाने के लिए लाया सबको. ओके, देर होशियार कौन बनता है हर बार? मैं. यू आर सेफ चल रहा है ना अंकित? अच्छा तुम बनते हो, कह सकते हो. अब मुझे किसी और का नाम नहीं लेना. ओके चलो. कभी एक साथ दो क्रश रहे? हाँ बहुत सारे रहे. एक साथ में बहुत सारे. एक साथ दो लोगों को चलाया? नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाया. लेकिन कूल, यस और नो में आपको आंसर देना है. ठीक है. क्या कभी नाक निकाल के पर्दे में पोंछे हो? नो नो नो. ओके, स्विमिंग पूल पे सुसु किया है? नहीं. यस, बहुत हाइजीन है क्या? हाँ. मुझे कुछ गर्मी गर्मी में. But that was not mine. Okay. बच्चों की चॉकलेट छीन कर खाई है? हाँ, ये तो किया है मैंने. Because I hate kids. You hate kids? Yes. Okay. कभी like टॉयलेट गए और पानी खत्म हो गया, then how you managed? I call someone. मैं फोन लेके जाता हूँ हमेशा. तो बाहर फिर मग्गे से पानी हो देता है सामने वाला? नो, मोटर चालू कर लो. जस्ट अ क्लिक अवे. ओके. अपने ड्रेस को लेकर कभी ऑकवर्ड फील हुआ है? हाँ, आज ही हुआ है. आई वाज ड्राइविंग एंड मेरे बटन्स खुल गए थे. ओके, लाइफ में रिजेक्शन मिले लव वन से, जिसको आप चाह रहे हो और उससे रिजेक्ट हुए हो? हाँ. व्हाई? हाँ, गो ऑन गो ऑन. बिकॉज़ दे वर विद समवन एल्स. मुझे पता नहीं था. तो सामने वाले ने रिजेक्ट किया, आप अपने आप में समझ गए? सामने वाले ने बोल दिया दैट आई एम कमिटेड. दैट इज नॉट रिजेक्शन, दैट वाज. वो बहुत दिल टूटा था ना बेचारे. ओके चलिए, तो मैं कुछ चीजों का नाम ले रहा हूँ, वो किसके बेडरूम में मिलेगा आपको बताना है. ठीक है. पान पराग? कोई नहीं है हमारे सर्कल में. पान पराग गुटके वाले कोई नहीं हमारे सर्कल. फिर भी इन केस कभी मिल गया तो किसके पास मिलेगा? आदर्श. हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो इन्होंने बोला. हाँ, क्या कहा आपने? आदर्श.
Did you hear that? Obviously. Okay, चलो. Best jewelry collection. इसके पास मिलेगा? हाँ जी. Victor Francis. मतलब हाँ 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 चलेगा हाँ. कुछ भी sense पे हो वो. Sexy dresses. Payal Jaiswal. Payal. ओके टूटी हुई कुर्सी बट सेक्सी ड्रेसेस इसके पास भी होती हैं बिकॉज़ ही हिमसेल्फ डिजाइन हां यस मैं इन्हीं का नाम एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है तो दोनों अगर ऐसे बाहर से जो आते हैं वो आते चलेगा चलेगा दोनों बट ही डिजाइन टूटी हुई कुर्सी रंगारी ओके ही हैज अ टूल ओके बिना धुले हुए कपड़े हमारे घर पे आपके घर पे सबके ऑलमोस्ट सबके घर पे ओके फ्यूचर प्लानिंग की बुक्स खूब सारी ये बनना है ये करना है अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो एक कुछ मेरे पास मिल जाएंगे बाकी फायर के पास भी मिल जाएंगे ओके मूवी की टिकट्स मेरे पास आपके पास आई फ्रीक्वेंटली विजिट मूवीज ओके कूल पेंडिंग बिल्स मेरे पास पेंडिंग बिल्स मेरे पेंडिंग बिल्स बहुत है फटे हुए मोजे नहीं किसके पास मिलेंगे मुझे कोई नहीं पहनता फिर भी अगर कभी रहा किसी हम लोग मोजे ही नहीं पहनते फटे हुए जूते फटे हुए जूते मेरे पास हैं अभी बट व्हाई वो मैं नहीं बताऊंगा रखा है ना मतलब किसी भी रीजन से हाँ क्योंकि एक होता है ना कभी हमें सामान रखने की आदत होती है ओके द लास्ट वन आपको ये डायलॉग्स हैं अपने अंदाज में बोलना है ठीक है ओके सो बेसिकली एक मूवी बनने जा रही है सपोज एंड आप आए ऑडिशन देने के लिए एंड इट शुड बी लाइक वेरी नो परफेक्ट शॉट होने चाहिए एक एक डायलॉग के तो आपका पहला डायलॉग ये होगा कि वो आपका कैमरा है ठीक है द ऑडिशन कैमरा एंड आपका पहला लाइन ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदला करते हैं ठीक है रोल कैमरा एक्शन जिनके घर शीशे के कपड़े बेसमेंट आय हाय क्या बात है लवली ओके हम क्या मंदिर का घंटा है जो भी आता है बजा के चला जाता है इन द बेस्ट वे हां हां मतलब अपना आप लाइक जो कैन एक्ट ऑन इट यू कैन एक्ट ऑन इट यू नो योर घंटा वेयर इट इज हम क्या मंदिर का घंटा है जो कोई आए और सब बजा के चला जाए कहां ओके कूल दैट्स लवली हां कौन है ये जिसने मुर्गे जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा कूल ओके आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते तो हम हंसते हंसते देते आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया थोड़ा आगे पीछे लाइक सेंटेंस चलेगा अपने हिसाब से तुम ये गलत नहीं कर सकते पीसी की डायलॉग है ये ओह गॉड ये बहुत बहुत लाइक बहुत अच्छा डायलॉग है प्रियंका चोपड़ा का फेवरेट हां ओके आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते तो हम यूं ही दे देते आपने तो हमसे हमारा गुरु छीन लिया आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते कुछ नहीं होता आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते आपने तो हमसे हमारा गुरु छीन लिया अच्छा ओके डायलॉग अच्छा आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते लेकिन आपने 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 हमसे हमारा गुरु ही मांग लिया ओके ये लो थैंक यू ओके कूल मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ यहाँ जाऊ वहां जाऊ बाहर वाले के साथ जाओ किसी के भी साथ जाओ आपको क्या दिस इज द डायलॉग जो बहुत ट्रेंड है अभी इंस्टाग्राम में मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ ऐश करू पैसे उड़ाऊ खाऊ किसी के साथ भी जाऊ आपको क्या वेल डन लवली लास्ट वन बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा भाई फैजल ओ गॉड लास्ट वन आज अंकित को हम बहुत परेशान कर रहे हैं इसके बाद तो तुम्हें कास्ट कर ही लेगा कोई ना कोई डायरेक्टर या ओ
बाप का भाई का दादा का, बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा, बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा। अंकित व्हाट वाज द डायलॉग अगेन? फैजल, तेरा भाई फैजल। अच्छा तेरा भाई फैजल, बाप का, ओह गॉड दिस इज सो टफ। ओके लास्ट टाइम, चलो बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा, सबका बदला लेगा कौन? अंकित भाई। हे हे, क्या बोलती ऑडियंस, कौन जीत रहा है? अंकित, अंकित, अंकित। ओके कुडोस। सो ये माय कायना की तरफ से कायना के लिए एक ही गलती जाएगी। कायना है एंड ट्रूली अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत सारे प्रॉम्प्ट आंसर रहे हैं, कुछ चीजों से पीछे रह गए सिद्धांत, बट नो एक ही घर में जाएगी। ओके बट कोई बात नहीं, हमें हमारा एक दूसरा राउंड भी है विच इज कॉल्ड अतरंगी राउंड, जहां पर थोड़े और अटपटे और अतरंगी से सवाल होंगे जिसके जवाब बहुत जल्दी और बहुत यू नो हंसते हंसते देना है। तो ये आईफोन 14 लॉन्च किया है, बहुत कस्टमाइज कराया, थोड़ा हमने हल्का कर दिया है, बट एनीवेज जो भी है इसके अंदर यू गाइस विल नॉट लव दिस, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा है ये। सो शैल वी स्टार्ट, जिसको भी आंसर आएगा ओके आई एम रेडी, और जो पहले बताएगा उसके बाद दूसरों को भी आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है चलो 3, 2, 1। अच्छा इसका जो रूल है ये है कि आपको सही आंसर नहीं देना है, सही आंसर नहीं देना है। नहीं देना है। अच्छा हम एक काम करते हैं, बैल हम साइड करते हैं, वन बाय वन कर लेंगे, चलो ठीक है, पहले आप फिर आप स्टार्ट करेंगे। सो सही आंसर नहीं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो रवि, रवि ठीक है, इस तरीके से होगा। एंड आंसर जिसका जितना ज्यादा फनी होगा वो गिफ्ट के उतने करीब जाता जाएगा। ठीक है चलो 3, 2, 1 ग्लो। क्लब में हम क्या पीने जाते हैं? पानी, दूध। स्टारबक्स में क्या मिलता है? खिचड़ी, दाल। दाल। नेल पेंट हम कहाँ लगाते हैं? टट्टी करने। नेल पेंट हम कहाँ लगाते हैं? अनमाथा। अनमाथा ओके। राखी सावंत आपकी क्या लगती है? बहन, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ओके। आपका वेट कितना है? 105। जस्ट 6 ओके। आपके दोस्त अच्छे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, डोंट एक्सपेक्ट, सब सही है। ओके कूल। तुम खाने में क्या खाते हो? हवा। आई डोंट नो, प्लीज मुझे एक बार याद दिलाओ खाने में क्या। ओके पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका? कैसीनो जाओ। कैसीनो जाओ, अमन का फ्रेंड बन जाओ। अमन का फ्रेंड बन जाओ ओके। तुम ब्रश किससे करते हो? मैं हाँ, डंडी से। डंडी से। कॉन्डम। ओके कूल। इस रूम में कौन कौन है? सेलिब्रिटीज हैं, राखी सावंत, उसके सारे कजिन्स। ओके कूल। आप किसके साथ बैठे हो? मैं अनजान व्यक्तियों के साथ। आई एम एट कायनास आई गेस। कायना के साथ तो बैठे ही हो आप ऐसे भी। यहाँ के बाद कहाँ जाने वाले हो? हवा पे। मैं टूर। टूर पे जाओगे? कहाँ जाओगे, कौन से टूर पे? नो अभी प्लान है दिल्ली का, वृंदावन। ओके सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? आँख खोलता हूँ। आँख तो कोई खोलता है? मैं उठता ही नहीं हूँ। नहीं उठते हो? ओके डेट पे जाने के लिए सबसे बेस्ट जगह? नहीं है एक भी जगह रायपुर पे। झूठ बोलना है ना? मेरे रूम पे। तुम्हारे रूम पे ओके। हाथों की रेखा कहाँ होती है? माथे पे। दिखा नहीं सकता। ओके आपके कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं? रिलेशनशिप्स 104। जस्ट सिक्स ओके। दीपक कलाल की तारीफ कीजिए। आथू। आप बहन चुगली करे। ओके शो होस्ट कौन कर रहा है? पता नहीं कौन है, अनजान व्यक्ति है। सिद्धांत। सिद्धांत होस्ट कर रहा है ओके। हम शादियों में क्यों जाते हैं? खाना खाने तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो लाइन मार लियो। ओके आईलाइनर कहाँ लगाते हैं? उंगली पे। उंगली पे। मैं अगेन दिखा नहीं सकता। ओके आप किससे नहाते हैं? किससे नहाते हैं? मैं किससे नहाता हूँ? हाँ हल्दी से। हल्दी से नहाते हैं। आई डू गोल्डन शावर। गोल्डन शावर ओके।
आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं पता नहीं यार, इसने बताया नहीं मुझे आज तक। मैं जो पैदा हुआ पता ही नहीं था मैं कहाँ पैदा हुआ। फिर भी लाइक हॉस्पिटल घर घर तो सही जवाब नहीं दे रहे ना। पहाड़ों में, पहाड़ों में पानियों के बीच में लाइक काइंड ऑफ। बट एनीवेज वी हैव डन, काफी अच्छे प्रॉम्प्ट रहे, थोड़ा टफ था। ओके सो नेक्स्ट राउंड है। सो नाचे नागिन गली गली इज अ फेम फिल्म नेम। यप, नागिन गली गली। यस, जो पहले कर लेगा वो भाई इसको बजा देना। गली में नागिन नचा दिए थे, वाह क्या बात है, कूल। चलो एंड द नेक्स्ट वन, पप्पू कान डांस वाला। You're good at drawing, यार। No, I'm not. पप्पू का टांग तोड़ गया। Oh, damn! क्या बात है सिद्धार्थ। Very well done, bro. Cool. The next one. मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मुझे well same sex couple, like we don't have बीवी। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। सिमिलर कोई ऐसा मूवी बता जिसमें हम हमारी प्यार की चर्चा होता हो। You tell me any name. We can do Dostana. Dostana, go on. Come on. I'm really bad at drawing. So, two men are smooching or kissing or whatever you can say. I don't know. Yeah, that is also cool. I like it. सिद्धांत, yes? Cool, okay. तुमको जाता है ये पॉइंट। ओके, पप्पू का आंसर हो गया। मेरी बीवी की शादी। फिर से मेरी बीवी की शादी। हमारे बीवी नहीं होंगे, हमारे हस्बैंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे। नहीं, मूवी का नाम बता रहा हूँ, डायलॉग। जो कीड़ेंगे। हाँ, मूवी जो बनी हुई है ना, हम उसी पे काम। मेरी बीवी की शादी। बीवी, बीवी की शादी। ये मूवी है। कहाँ से ला रहे हो? ऐसे मूवीज है। हाँ ये है। हमने गूगल किया हुआ है। चीटिंग हो रही है, देख लियो। दिखाइए सिद्धांत क्या बनाया आपने, समझाइए प्लीज। दिस इज वो शादी का मंडप। मंडप और कोई गांव की दुल्हन है जो पूरा यहां तक दुपट्टा डाल के बैठी है। दुल्हाई नहीं आया। दुल्हाई नहीं आया। yeah. okay, and your? मैंने बनाया है, ये पति है। हाँ, रो रहा है। ये दोनों शादी है, मेरी बीवी की शादी। शुभ मंगल सावधान। सेफ सेक्स। शुभ मंगल सावधान। क्या लगता है धीरज? नाइस, आई लाइक इट। धीरज, हु इज द क्लोजेस्ट वन? शुभ मंगल सावधान। ओके कूल। लास्ट वन, बधाई दो। बधाई दो। आई गेस तुमने बधाई दो में एक डेब्यू भी डाला है, राइट? yes. दोनों ने yes. इसके बाद हमको उसकी भी स्टोरी सुननी है। सिद्धांत आई गेस, क्योंकि उसने पूरे सहनाई लड्डू वड्डू सब, वो लड़की लड्डू लेकर जा रही, राइट? नो, तुम्हारी वाली ये बधाई मांग रही है, सीधे ट्रांस वुमन। ओके कूल, वेरी नाइस। चलो, बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। दिस ये वाले जो मास्क है ना, वो पहना हुआ रहता है राजकुमार का। ओके, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो टेल मी द स्टोरी, क्या हुआ था, कैसे आप लोग वहां पहुंचे? देहरादून, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So, रायपुर से देहरादून की जर्नी कैसे तय की और क्या क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपको जाता है। थैंक यू सो मच, आपने ये जीत लिया है फाइनली। यस, गो ऑन। तो उसे देहरादून की जर्नी 50-50 थी, कह सके तो। एक जन तो ऑलरेडी दिल्ली में थे, ये रायपुर से बुलावा तो मुझे आया था, दिल्ली से बुलावा तो मुझे आया था रायपुर से जाने के लिए। तो सिद्धांत, रायपुर के बारे में बताओ, पहले तुम दिल्ली वाली बताओ। ओके, तो इट वॉज समन कॉल मी, लाइक वो एक LGBTQ से रिलेटेड एक फिल्म बना रहे हैं, और तो इट वॉज स्टोरी लाइक वो कॉस्ट्यूम्स के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो हमारे जब पहले कॉल हुआ था, बातचीत हुआ था, तो आई टॉक टू देम एज ए फैशन डिज़ाइनर कि किस तरह से हम प्राइड पर ड्रेसेस पहनते हैं, किस तरह के कॉस्ट्यूम्स होता है ना। फिर बातचीत होते होते हम लोग थोड़ा, हमारी फ्रेंडशिप अच्छा बनी। तो फिर आई अप्रोच देम दैट अगर इवेंट, मतलब फिल्म बननी है कम्युनिटी के ऊपर, व्हाई नॉट जो रियल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ब्राइट मार्च पे आए।
Like I and one of my two more friends were there. हम खुद से approach किए. अगर community की film हो रही है तो community होगा तो ज़्यादा you know realistic लगेगा. Yes, yes. थोड़ा realistic लगेगा. तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट श्योर, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, इट्स अ गुड आइडिया सिद्धांत, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. तो फिर उनका बातचीत चला तो हमें लगा लाइक आइडिया भी यहाँ से गया था. या इट वाज वाओ, वेरी नाइस. हम लोग कॉस्ट्यूम के बारे में, हमारी पैक की जितनी फोटोज थे मैंने शेयर किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, इट्स शुड बी वेरी कलरफुल एंड ऑल एवरीथिंग. तो उन्होंने एक बार बात किया, देन 10 दिन तक कोई कॉल नहीं, 15 दिन तक कॉल नहीं आई. देन एक महीने बाद अगेन कॉन्टेक्टेड अस कि सिद्धांत वी रियली लाइक योर अप्रोच, हम ऐसे कर सकते हैं. अभी अब कोविड का टाइम पे था ना, तो लोगों को इकट्ठा करना भी एक टास्क था. Correct. कौन कहाँ से आएंगे. देन दिल्ली के कुछ कुछ फ्रेंड्स को हमने इन्वाइट किया. तो फिर हम जिस दिन जाने वाले थे, सपोज हम कल जाएंगे, जस्ट एक दिन पहले मुझे याद आया मुझे अंकित को कॉल करना चाहिए. तो सारे दिल्ली गए थे क्योंकि मैं उस टाइम दिल्ली में रहता था ना, सारे फ्रेंड्स हमारे दिल्ली के थे. जस्ट एक दिन पहले मैंने अंकित को बोला, अंकित वी आर गोइंग ऐसे एक ट्रिप पे. तो हमने तो ऐसे नहीं सोचा सूट होगा कि हम कोई सेलिब्रिटी से मिलेंगे, हमारे लिए कुछ भी पता नहीं था. नो, हमारे लिए तो पार्टी थी कि इतनी, एक तो 1.5 साल तक घर पे बैठे हुए हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है, लेट्स मेक ए ट्रिप. तो हमने ऐसे प्लान पे गया हुआ था, दो वी न्यू कि ऐसे ऐसे सूट होने वाला है एवरीथिंग. आई कॉल ऑन अंकित की, अंकित चल रहा तुम भी चलो. कब कॉल आया मैं बता रहा हूँ. मैं रायपुर से अपने होम टाउन गया था टाइम स्पेंड करने होम टाउन में, ठीक है, एक हफ्ते के लिए. एंड आज रात को मैं अपने होम टाउन पहुंचा, इनका सुबह कॉल आता है 12-1 बजे के आसपास कि निकलना है, अगले दिन निकलना है हम लोग को दिल्ली से देहरादून. एंड मैं बोला, इन्होंने नाम नहीं लिया मूवी वूवी का, बस बोला शूट पे जा रहे हैं मूवी का, ऐसे रैंडमली बोला था उन्होंने, हिंदी फिल्म का शूट. हाँ, और मुझे कुछ नहीं पता. और मेरा मन था कि यार बोला इन लोग सब लोग जा रहे हैं उधर से, मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं ये लोग, और घूमने का मौका मिल जाएगा ऐसे. तो मैं बेसिकली घूमने के नाम पे गया था. फिर वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वेन्यू में पता चल रहा है कि ओके ये मूवी एक्चुअली में फीचर मूवी है बॉलीवुड की, और एक्टर कौन है एक्ट्रेसेस कौन है, मुझे वहाँ जाके पता चला. एंड उस दिन और क्या हुआ, जिस दिन कॉल किया 12-1 बजे कॉल किया इन्होंने, एंड मैं 2-3 बजे अर्जेंट जो प्रीमियम टिकट्स होती है उसको बुक करवाया और निकला हूँ सेम डे ही. नहीं तो अगर इफ आई कुड हैव यू नो, अगर वो इग्नोर कर दिया होता उस चीज को तो ये मौका भी नहीं मिलता रहता मेरे. उसके बाद काफी एक्सपोजर मिला राइट, मतलब काफी इंटरव्यूज हुए और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यहाँ से टीम जा करके जो काम करी है, मतलब बेस्ट थिंग की शूटिंग के दौरान बस सबको पता था कि कम्युनिटी होता क्या है. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज कम्युनिटी ऑल अबाउट. दे वर वेरी वेल सेंसिटाइज्ड. वेल, राजकुमार राव का क्या रिएक्शन रहा था? ओह, ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन. मतलब यूजुअली देखते हैं कि सेलिब्रिटीज ऐसे बड़े जो लीडिंग एक्टर्स हैं बात नहीं करते हैं क्राउड से. राजकुमार राव वाज हैविंग इंटरेक्शन विद एवरीवन. और कुछ हमें मतलब डाउटफुल लग रहा था कि हम जो सीन था हमारा, राजकुमार राव हमको देख के हेड को नॉड करते हैं, है ना, स्माइल करते हैं. तो हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, किसको कहाँ देखना है. तो राजकुमार राव हिमसेल्फ केम हमारे सामने एंड बता रहे थे 2-4 लोगों को हम लोग को ही किस तरीके से करना है, कहाँ पर देखेंगे वो तब उस समय करना. हिमसेल्फ वाज डायरेक्टिंग अस, तो काफी अच्छा लगा उस समय. वैसे एक सेटअप बना हुआ था जिसमें ट्रक के ऊपर ही लोग अंदर कम्युनिटी उस लोग डांस करते हैं राइट. तो उसमें भूमि पेडनेकर अंदर थोड़े सटकाए गुलशन, तो उनको वो स्टेज के ऊपर डांस करना था ट्रक के ऊपर. तो हमारे कुछ फ्रेंड्स है, वन ऑफ देम इज अ ट्रांस पर्सन, ठीक है, एंड दे बोथ आर सो कम्फर्टेबल विद अ ट्रांस पर्सन, वो देखने लायक था. एंड दे वर डांसिंग टुगेदर, इट वॉज फन, इट वॉज फन. मतलब एक ओपन हम एक्सेप्टेड सारी चीजें बहुत वाओ. ऑल्सो आफ्टर दैट इवेंट मूवी रिलीज हो गया एंड एवरीथिंग, एक जूम कॉल में भी दे पर्सनली इनवाइटेड अंकित दास टू अटेंड द जूम कॉल विद द डायरेक्टर एंड सम को एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस देयर, राइटर, दे वर द होल टीम बेसिकली द कोर टीम. एंड यू आर द इन फ्रंट ऑफ दैट यू नो द मार्च, पूरा फ्लैग लेकर के सिद्धार्थ वाज होल्डिंग दैट वो द बैनर थिंग एंड ही वाज डांसिंग विद हिज कलरफुल आउटफिट एंड मैं फ्लैग लेके आगे बढ़ रहा था. हमारे प्रोनाउंस क्या होना चाहिए, अगर कोई ट्रांस है तो उसको दो, वो लड़के की ड्रेस में है तो, बट उनका प्रोनाउंस सी और हर होना चाहिए.
कि मेरे प्रोनाउंस ही और हिम होना चाहिए, दे वर वेरी वेल सेटल्ड विद द होल। सो एंड ऑफ द शो फॉर्मेट है, कैसा लगा शो में आकर हमें बताइए। लव्ड इट, अमेजिंग। एंड रायपुर में आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ सच शोज और सच ऑकेशंस और इवेंट्स एवर। लव्ड इट। यू सिद्धांत, लाइक दिस इज हाउ वी से कि रिवोल्यूशंस ऐसे ही होते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं करते, कोई और तो स्टार्ट करता, बट अगर कहीं और होता तो यहाँ क्यों नहीं। तो वी रियली लव्ड इट, वी अप्रिशिएट योर अप्रोचेस, जिस तरह से लाइक यू पर्सनली इनवाइटेड ए कम्युनिटी इंडिविजुअल टू यू नो लाइक अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। ऐसे स्टेजेस नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलती। इट्स जस्ट नॉट कि हम आए हैं तो तारीफ कर रहे हैं, बट इट इज़ ट्रू, नहीं मिलती है। क्योंकि कायना का जो बेसिक यू नो एक शो का फॉर्मेट है वही है कि जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है कि यू नो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको सबको समअप करके हम एक जगह लाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द कायना। इसीलिए हम कहते हैं इसे द जर्नी ऑफ कायना। Welcome to the Seller's Couch.